Hello everyone, Jai Swaminarayan, myself Professor Vaibhav Solanki from Sri Swaminarayan Institute of Technology. दोस्तों आज हम बात करने वाला है ट्रैफिक इंजीनियरिंग सब्जेक्ट 7 सेमेस्टर के बारे में, जिसमें यूनिट 1 ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक है उसके रिवीजन लेक्चर नंबर 3 के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों हमने ऑलरेडी सब यूनिट कंप्लीट कर दी है, ठीक है, अब हम उसका रिविजन करने जा रहे हैं। सो उसके रिविजन के साथ साथ हम कुछ उसके एग्जाम्पल है या तो कोई रिगार्डिंग क्वेश्चन है वो सब हम प्रिपेयर करते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक का रिवीजन नंबर, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो दोस्तों रिवीजन के पिछले दो लेक्चर में हमने ट्रैफिक इंजीनियरिंग क्या है वो समझ लिया है, उसके साथ साथ रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक, व्हीकलर कैरेक्टरिस्टिक और रोड कैरेक्टरिस्टिक के बारे में डिस्कस। आज हम देखने वाले हैं व्हीकल रेजिस्टेंस और पावर रिक्वायरमेंट का रिवीजन। सो दोस्तों यहाँ पर खास ध्यान दीजिएगा कि रेजिस्टेंस ऑफ मोशन टू बी एनकाउंटर्ड बाय द मोटर व्हीकल इन ऑपरेशन, इसको हम व्हीकल रेजिस्टेंस बोलेंगे, और उसके लिए जो पावर रिक्वायर है, बट पावर रिक्वायर के लिए कितना फोर्स लगता है और कौन कौन सी तरह से जो फोर्स है उसको हमें रेजिस्ट करना पड़ेगा। तो अगर हमको रेजिस्टेंस के बारे में पता है तो उसको पावर का आउटपुट हमको मिलने वाला है। तो यहाँ पे इनर्शिया फोर्स, इसको हम FI से इंडिकेट करेंगे, रोलिंग रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस और ग्रेट रेजिस्टेंस, ये चार चीजें यूजुअली कोई भी व्हीकल कोई भी कंडीशन में मूव कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। सो ये चार टाइप के कंपल्सरी फोर्स वहाँ पे और उसको रेजिस्ट करना जरूरी है, ठीक है। और उसको रेजिस्ट करने के लिए कितने पावर की रिक्वायरमेंट है वो हम कैसे पता कर सकेंगे कि इसका रेजिस्टेंस हमको पता है तो हम इसके रेजिस्टेंस के लिए प्रॉपर पावर रिक्वायरमेंट दे सकते हैं। तो सिंपल सी लॉजिक है कि हमको ये फोर्स काउंट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो व्हीकल रेजिस्टेंस और पावर रिक्वायरमेंट, मेरा अपवर्ड डायरेक्शन में व्हीकल जा रहा है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा, डी एक्सेलरेटिंग इस डायरेक्शन में होगा, मैंने अलग अलग फोर्स लिखा है, पावर ट्रांसफर, ठीक है, फिर डायनेमिक कुछ लोड है। तो यहाँ पे मैंने सब दिखा दिया है दोनों इमेज में रोलिंग रेजिस्टेंस के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनर्शिया फोर्स की मैं बात करूँ, सो इनर्शिया फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये व्हीकल का कितना मास है प्लस एक्सीलरेशन, वो आपका इनर्शिया हो गया, हमने आगे ऑलरेडी देख लिया मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है। फिर से मैं आपको बता दूं इसका यूनिट रहेगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रोलिंग रेजिस्टेंस, यहाँ पे जो रोलिंग रेजिस्टेंस लगने वाला है पेवमेंट सरफेस और फिल के बीच में, ठीक है, तो वो तीन तरह से होगा, इंपैक्ट सरफेस और इंटर। तो यहाँ पे आप इमेज ये सब देख के आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं कुछ देख के लिए शो कर रहा हूँ आपको, तो आप लिख भी सकते हो, ऑलरेडी हमारा रिवीजन है तो आप ये देख सकते हो रोलिंग रेजिस्टेंस, ठीक है, उसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हो, हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है इंपैक्ट रेजिस्टेंस, सरफेस रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है वो प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है, एक बार आप अपने लेक्चर नोट में नोट डाउन कर लेना। उसके बाद रोलिंग रेजिस्टेंस के बारे में जो पिछले लेक्चर में हमने इक्वेशन देखा था उसके साथ साथ एयर रेजिस्टेंस में क्या होता है, स्पीड ऑफ द व्हीकल, डेंसिटी और डायरेक्शन, ये तीन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। जबकि ग्रेट रेजिस्टेंस में फोर्स ऑपोजिंग मूवमेंट ऑफ मशीन अप अ फ्रिक्शनल लेस स्लोप इज नोन एज ग्रेट रेजिस्टेंस, कोई भी ग्रेट पे मेरा व्हीकल मूव करेगा तो वहाँ पे कोई भी मशीन के थ्रू कोई भी विदाउट फ्रिक्शन मेरा व्हीकल मूव कर सके, उसके लिए कोई टाइप का रेजिस्टेंस ना हो, ठीक है, तो उसके लिए जो पावर रिक्वायरमेंट है वो हम यहाँ से देख सकते हैं। तो एयर रेजिस्टेंस और ग्रेट रेजिस्टेंस यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किए, इम्पैक्ट इनर्शिया फोर्स और रोलिंग रेजिस्टेंस हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में देख लिया था डिवीजन के, तो यहाँ पे ये दोनों आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, पावर रिक्वायरमेंट फॉर रोलिंग रेजिस्टेंस।
दोस्तों अब डायरेक्टली हमने जैसे कि पिछले लेक्चर में बोला था कि हम एग्जांपल देखने वाले हैं, तो यहाँ पे हम एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। पर्टिकुलर यहाँ पे 2 या 3 एग्जांपल हैं, वो आपको यहाँ पे शो किए गए कुछ देर तक मैं यहाँ पे पढ़ रखता हूँ, तो आप यहाँ से लिख सकते हो। कंपलसरी आपको अपने लेक्चर नोट में इसको नोट डाउन करना है। सो एग्जाम्पल इज इन अ ब्रेकिंग टेस्ट, अ व्हीकल ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर वॉज स्टॉप्ड बाई अप्लाइंग ब्रेक फुली एंड स्किड मार्क वेर 5.8 मीटर इन लेंथ। सो डिटरमाइन द एवरेज स्किड रेजिस्टेंस ऑफ द पेमेंट सर्फेस। तो एग्जाम्पल हमको समझ में आ गया क्या डिटरमाइन करना है, कि एवरेज स्किड रेजिस्टेंस ऑफ द पेमेंट सर्फेस हमको डिटरमाइन करना है। गिवन कौन कौन सी चीज़ है, यहाँ पे इनिशियल स्पीड आपको दी गई है व्हीकल की 30 किलोमीटर पर आवर। देखो यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में ब्रेकिंग डिस्टेंस दिया हुआ है कि मेरा व्हीकल जहाँ से स्टॉप होगा, ठीक है, तो वो स्टार्ट करेगा, तो वहाँ से लेके ऑब्जेक्ट तक का ब्रेकिंग डिस्टेंस 5.8 मीटर। इनिशियल स्पीड को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने वाले हैं, क्योंकि हमारा जो डिटर्मिनेशन है एवरेज स्पीड रेजिस्टेंस का, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हमको इक्वेशन ब्रेकिंग डिस्टेंस का पता होना चाहिए, ठीक है। सो उसके थ्रू हम उसको डिटरमाइन कर सकेंगे। तो उसके लिए इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है एम इजिक्वल टू यू स्क्वेयर अपॉन 2gf, ठीक है। जहाँ पे यू है वो इनिशियल स्पीड है, 2gf जी के बारे में हमको पता है 9.81 ग्रेविटी के लिए, और एफ जो यहाँ पे है आप सॉरी यहाँ पे एल जो है आपका वो 5.8 दिया हुआ है। सो दोस्तों ये इक्वेशन यहाँ पे आपको एल पता चल जाता है, अगर आपको कोएफिशिएंट यहाँ से इंडिकेट करते हैं। अब बात करते हैं कि जो व्हीकल की जो स्पीड है किलोमीटर पर आवर, इसको सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 3.6, ठीक है। स्किड रेजिस्टेंस हमको सेकंड में मिलने वाला है, इसलिए हमको इसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे वैल्यू मिली 8.33 मीटर पर सेकंड। एवरेज स्किड रेजिस्टेंस एम इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन टी एल, यहाँ पे मिस्टेक है, ठीक है, तो यहाँ पे एल एफ की जगह लिखना है। तो उसका इक्वेशन हम पुट करेंगे 8.33 स्क्वायर अपॉन 2 × 9.8 × L की वैल्यू 5.8, तो इसका आंसर आएगा 0.61। सो ये जो 0.61 है वो एवरेज स्पीड रेजिस्टेंस। सो दोस्तों इस एग्जांपल को तो आप क्या याद रखना है कि स्किड रेजिस्टेंस के लिए एक सिंपल इक्वेशन है यू स्क्वायर अपॉन 2gL, एल यानी ब्रेकिंग डिस्टेंस, और ब्रेकिंग डिस्टेंस यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। एग्जांपल वन कंप्लीट, आपने ऑलरेडी नोट डाउन भी कर लिया होगा। सेकेंड एग्जाम्पल के लिए जाते हैं। अ व्हीकल ट्रैवलिंग एट अ 40 किलोमीटर पर आवर वॉज स्टॉप विद इन 1.8 सेकंड आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, डिटरमाइन द एवरेज स्किड रेजिस्टेंस। तो दोस्तों हमने क्या इक्वेशन दिया है एवरेज स्किड रेजिस्टेंस की, अब यहाँ पे कुछ माइनर चेंजेस हो गए आपके। मैं सबसे पहले इनिशियल स्पीड की बात कर लेता हूँ। ड्यूरेशन ऑफ ब्रेक एप्लीकेशन, यहाँ पे जो टाइम है वो 1.8 सेकंड है, इनिशियल स्पीड को मैंने मीटर पर सेकंड में कन्वर्जन दिया है। दोस्तों यहाँ पे टाइम दिया हुआ है और हमको एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। इक्वेशन में माइनर चेंजेस आने वाले हैं, आपको यहाँ पे एक और इक्वेशन भी याद रखना है। बट यहाँ पे देखते हैं यूजिंग द फंडामेंटल रिलेशन ऑफ मोशन फॉर एक्सेलरेशन या तो रिटार्डेशन के लिए, जो फंडामेंटल रिलेशन है जो हमने ऑलरेडी मैथमेटिक्स में हम पढ़ चुके हैं, वो क्या इक्वेशन है, स्पीड ग्राफ वी इज इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी। हमने बहुत बार आगे ये इक्वेशन देख लिया है, ठीक है। सो यहाँ पे वी की वैल्यू हम 0 पुट करने वाले हैं। रिटार्डेशन के लिए जो एक्सीलरेशन है या तो रिटार्डेशन है वो कैसे फाइंड करेंगे, कि जो भी व्हीकल की स्पीड है उसको हम सेकंड से डिवाइड करेंगे, तो हमको एक्सीलरेशन मिलने वाला है, वो मिलेगा सेकंड स्क्वायर में।
याद रखिएगा यहाँ पे हमने एक ही वैल्यू ऑलरेडी फाइंड किया थी। अब फिक्स ऑफ फोर्स की बात करें या फिर इनर्शिया फोर्स की बात करें तो हमारा फिजिकल रेजिस्टेंस का फर्स्ट इक्वेशन है F इक्वल टू ma, ठीक। तो इसको हम इस हिसाब से भी लिख सकते हैं Wf इक्वल टू W इंटू ए अपॉन जी, अगर मैं वेट के हिसाब से लिखूं, समझे, एवरेज किट रेजिस्टेंस। अब यहाँ से मैं उसको वेट के फॉर्मूला में यहाँ पे मैं लिखता हूँ कोई भी व्हीकल के लिए, ठीक है, फोर्स का इक्वेशन ये आपको याद रखना है, या तो आप ये भी याद रख सकते हो हमने पिछले इक्वेशन में जो एफ की जगह एल लिखा था वापस ग्रिड रेजिस्टेंस एफ इज इक्वल टू एफ का एक अलग इक्वेशन है जो एक्सेलरेशन को आप ग्रेविटी से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा स्किड रेजिस्टेंस। तो सिंपली यहाँ पे जो आपको नया इक्वेशन याद रखना है वो एवरेज स्किड रेजिस्टेंस के लिए एफ इज इक्वल टू एल जी। अगर आपको टाइम दिया हुआ है तो आपको क्या करना है कि स्पीड को टाइम से डिवाइड करके एक वैल्यू फाइंड करके जी के साथ डिवाइड कर देना है, कि हम ऑलरेडी सब इक्वेशन में यूज करते हैं 9.81 और 9.88, ठीक। यहाँ पे आपको डायरेक्ट फ्रिक्शन फोर्स मिल जाएगा। तो ये दोनों इक्वेशन फ्रिक्शन फोर्स के लिए F इज इक्वल टू एम ए, उसको मास को वेट में कन्वर्ट करेंगे तो इस हिसाब से इक्वेशन मिल जाएगा। दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 3 के बारे में डिस्कस करते हैं, उसके लिए डेटा यहाँ पे दिया हुआ है और गिवन डेटा में ब्रेकिंग ड्यूरेशन टाइम ब्रेकिंग डिस्टेंस दिया हुआ है। V इज इक्वल टू ए प्लस यू टी यू प्लस ए टी, फंडामेंटल रिलेशनशिप V इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, यू की वैल्यू माइनस यू टी मिलेगी, ठीक है। मैथमेटिक्स और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर पढ़ चुके हैं, उसका जो फॉर्मूला के हिसाब से 2as मिलता है जहाँ से s की वैल्यू हम ले सकते हैं यू स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। तो डायरेक्टली यहाँ से s की वैल्यू हमको जो यहाँ पे यू स्क्वायर मिला उसके अपॉन 2a मिल गए। अब u की वैल्यू में आप ये अपॉन ऐड करेंगे k इंटू टी, तो उसके बाद जो एक्सेलरेशन का फाइनल थर्ड इक्वेशन आपको याद रखना है वो बनेगा जो है a इज इक्वल टू 2s। तो कोई भी जगह पे s आता है यानी जो भी स्पेस है या तो लेंथ है, ठीक है, अगर ये वैल्यू दी हुई है उसके साथ सेकंड की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, तो आपको ये इक्वेशन पुट करना है। याद रखना है डायरेक्टली आप ये पुट कर सकते हो या तो यूजिंग फंडामेंटल रिलेशन ऑफ मोशन को पुट करके ये इक्वेशन ला सकते हो, और उसके बाद जो भी वैल्यू है वो सब्सिट्यूटिंग करेंगे। तो एस इज इक्वल टू एल 7 मीटर, टी इक्वल टू 1.4 सेकंड, तो हमको एक्सेलरेशन मिलेगा। सो एवरेज की रेजिस्टेंस जो डेवलप हो रहा है उसका डिटर्मिनेशन हम इक्वेशन जो मेन इक्वेशन है वो है एफ इज इक्वल टू के अपॉन जी, उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे हमको फाइनल वैल्यू मिलेगी 0.729। तो यहाँ पे दोस्तों एक और एग्जांपल है सिमिलरली, ठीक है, तो यहाँ पे डिटर्मिनेशन ऑफ ब्रेक एफिशिएंसी फाइंड करना है। तो ब्रेक एफिशिएंसी के लिए आपको ये भी याद रखना है, ये जो इक्वेशन हमने आगे देखा था स्किप रेजिस्टेंस का, स्किप रेजिस्टेंस के कुल 3 इक्वेशन है, एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2gl, एफ इज इक्वल टू ए अपॉन जी, और अगर a की वैल्यू आपको इसी हिसाब से मिलती है तो a का इक्वेशन आपको याद रखना है a इज इक्वल टू 2s अपॉन t स्क्वायर। दूसरा ब्रेक एफिशिएंसी का एक सिंपल इक्वेशन है 100 इंटू एफ एस अपॉन एफ, तो यहाँ पे एफ डेस जो मिल रहा है वो डेवलप स्किप रेजिस्टेंस है, और जो आपको सिंपल एफ मिलेगा वो है एफ ए अपॉन। तो दोनों इक्वेशन में वैल्यू पुट करके डायरेक्ट ब्रेक एफिशिएंसी फाइंड कर सकते हैं जो हमको परसेंटेज में मिलता है। यहाँ पे 3 या 4 एग्जांपल हमने दिए हैं दोस्तों, ये 4 एग्जांपल के थ्रू आप व्हीकल रेजिस्टेंस एंड पावर रिक्वायरमेंट समझ सकते हो। सो हमारा मेन रिविजन था व्हीकल रेजिस्टेंस का, वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। पिछले जो भी 2 लेक्चर हुए हैं
उसका रिवीजन मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। कुछ सेकंड के लिए मैं आपके सामने स्लाइड रखूँगा, आपको जो भी नोट डाउन करना है वो यहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हो, और उसके साथ साथ जो भी लेक्चर नोट बना रहे हो उसको एज अ वर्कशीट, वीकेंड वर्कशीट आपको सबमिट करना है। ठीक है, तो वो आपको कब करना है, जब हमारा लेक्चर आता है थर्सडे को, तब आपको ये तीनों लेक्चर का कॉम्बिनेशन थर्सडे को आपको राइट करना है, फ्राइडे को आपको सबमिट करना है। तो आज से हमारे जो यूनिट वाइज लेक्चर वाइज जो असाइनमेंट आते थे वो कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो जो रिवीजन लेक्चर है उसमें हम तुमको ये सब जो जो लेक्चर नोट है उसके अकॉर्डिंग आपको राइट करना है रिवीजन लेक्चर नोट, और वो सबमिट करना है एंड ऑफ द वीक, फ्राइडे को या सैटरडे। तो दोस्तों मैं फिर से हमारा जो आगे का जितना भी रिवीजन है वो कुछ मिनटों में आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले व्हाट इज ट्रैफिक इंजीनियरिंग डेफिनेशन सबको पता है, मटेरियल आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप देख सकते हो। उसके बाद स्कोप, ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक जिसमें रोड यूजर और व्हीकलर, ट्रैफिक स्टडी एंड एनालिसिस जिसमें ट्रैफिक वॉल्यूम स्पीड स्पीड ओरिजिनल स्टडी पार्किंग स्टडी एक्सीडेंट स्टडी, ट्रैफिक ऑपरेशन कंट्रोल एंड रेगुलेशन जिसमें अलग अलग डिवाइसेस की हमने बात की थी, साइन सिग्नल और आइसलैंड। ठीक है, मार्किंग प्लान प्लानिंग एंड एनालिसिस जिसमें हम एक्सप्रेस वे एटल रोड और अदर फैसिलिटीज पार्किंग के बारे में डिस्कस किया था, ज्योमेट्रिक डिजाइन हमने ऑलरेडी हाइट डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कर्व्स के बारे में डिस्कस कर लिया है, पार्किंग फैसिलिटी एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। फंक्शन ऑफ ट्रैफिक इंजीनियरिंग, इंजीनियर के डेटा कलेक्ट करना, इंटरप्रिटेशन करना, एनालिसिस करना, ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन का प्लानिंग करना, ठीक है, ट्रैफिक का डिजाइन करना, तो इसके डिजाइनिंग के पॉइंट है, आप यहाँ से लिख सकते हो सब पॉइंट। फंक्शन ऑफ ट्रैफिक इंजीनियर्स में ट्रैफिक ऑपरेशन के जो पॉइंट है वो आपको ध्यान में रखने हैं, तो भी आप लिख सकते हो। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उसके बाद एलिमेंट की हमने बात की थी, एज अ रोड यूजर ड्राइवर पेडेस्ट्रियन, ठीक है, कौन कौन से ट्रैफिक ऑपरेशन के एलिमेंट हैं। ठीक है, इंटरनल फैक्टर कैन बी क्लासिफाइड इन टू टू कैटेगरी, फिजिकल साइकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल। रोड यूजर फैक्टर फिजिकल साइकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल, फिजिकल परमानेंट एंड फिजिकल टेम्पररी, साइकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल। तो ये डिस्कशन हुआ था कि परमानेंट में विजन के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, विजुअल एक्यूटी यानी आई साइट है हमारे, ये जो आई साइट है उसमें पेरिफेरल विजन, ऑप्टिकल एक्सिस, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था, एंगल ऑफ पेरिफेरल विजन और कॉन ऑफ विजन जिसमें 3 to 5 डिग्री हमें क्लियर दिखेगा, 5 to 7 क्लियर विजन विथ गुड और 7 to 12 डिग्री सेटिस्फेक्ट्री विजन। यहाँ से आई साइट के बारे में आप पढ़ सकते हो, पेरिफेरल विजन आई मूवमेंट यहाँ पे दिखाया गया है, ग्लेयर विजन रिकवरी परसेप्शन टाइम एंड स्पेस, फैक्टर अफेक्टिंग विजन कि विजन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे, हियरिंग को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे, साइकोलॉजिकल फैक्टर कौन कौन से हैं। ठीक है, ये सब हमने डिस्कस कर लिया है, यहाँ से सिर्फ ओनली रिविजन ही है, और आपको एज अ लेक्चर नोट जो आपको लगे ये मुझे लिख लेना चाहिए, लेक्चर नोट में लिखना है, मटेरियल मैं आपको क्लासरूम में अवेलेबल करना कर दूंगा एज PDF फॉर्म। PIV थियरी के बारे में जो हमने बहुत डिस्कशन किया है, बहुत बार डिस्कशन किया है, ठीक है, यह है तब देख सकते हो, परसेप्शन टाइम रिएक्शन सब परसेप्शन है आपका कि आपको कहाँ से 6 दिखता है कहाँ से 9 दिखता है। ठीक है, कुछ इमेज के साथ मैंने परसेप्शन को समझने में आसानी हो
ये यहाँ पे ट्राई किया है। इंटेलेक्शन टाइम दिखाया गया है कि दिमाग में कौन सी प्रोसेस चल रही होती है। इमोशन टाइम दिया गया है आफ्टर इंटेलेक्शन आपका और जो रिएक्शन होगा वो किस हिसाब से है। जो एंगर है वन टाइप ऑफ रिएक्शन। उसके बाद जो फाइनल एक्शन होने वाली है वो है वॉल्यूशन टाइम। तो यहाँ पे आप पूरा पी आई वी थियोरी समझ सकते हो विथ इमेज और कुछ थियोरीज के साथ। वही कलर कैरेक्टरिस्टिक हमने डिस्कस किया था स्टैटिक और डायनेमिक। ठीक है, डायनेमिक में स्पीड एक्सेलरेशन ब्रेकिंग सिस्टम लाइटिंग सिस्टम और स्टैटिक में जो मूवेबल नहीं है लेंस है फिट है हीट है। ठीक है, ये सब कॉन्सेप्ट ऑफ डिजाइन व्हीकल जो हमने बहुत बार डिस्कस किया है कि वेट विथ और हीट है विथ हीट और लेंथ है सब व्हीकल के अलग अलग व्हीकल के लिए अलग अलग है। ठीक है, और बेसिक है 2.5 मीटर। सो यहाँ पे जो डायमेंशन है हाइट है कार्गो कॉलम है व्हील बेस है। ठीक है, फिर लेंथ है यहाँ पे सब दिया हुआ है आप देख सकते हो। तो पूरा क्लासिफिकेशन मैंने कर लिया मैक्सिमम डायमेंशन एज पर आईएसओ 3 1983 के हिसाब से। आप यहाँ से भी ब्रेकडाउन कर सकते हो टाइप समझ सकते हो और मैक्सिमम पॉसिबल क्लोज वेट कितना होना चाहिए सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल के लिए वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। टर्निंग कैरेक्टरिस्टिक जो लो स्पीड लेस देन 16 या 70 किलोमीटर पर आवर किलोमीटर पर आवर क्या होनी चाहिए यहाँ पे दो कंडीशन में आप देख सकते हो। वो यहाँ पे मैंने इमेज के साथ समझाया है। हैकिंग कैरेक्टरिस्टिक जो कंटेंट हमारे ट्रैफिक इंजीनियरिंग के सिलेबस में नहीं है बट समझना बहुत ही जरूरी है। इसके अकॉर्डिंग हमने ऑलरेडी एग्जांपल देखे हैं जिसमें एफ इक्वल टू ए जी का इस्तेमाल किया है। एक्सेलरेशन कैरेक्टरिस्टिक रोड कैरेक्टरिस्टिक जिसमें पैडल के सरफेस में स्किड और स्लिप होता है फ्रिक्शन होता है। ठीक है, स्किड इस स्ट्रक्चर होता है और स्लिप क्या है ये दोनों इमेज के थ्रू आपको समझ में आ गया होगा कि ऑलरेडी हमने दोनों एक्शन बहुत बार कहीं ना कहीं देखा है तो उसके थ्रू आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा स्पीड है कौन सा स्लिप है और उसके कौन कौन से फैक्टर हैं जो स्पीड रेजिस्टेंस को अफेक्ट करने वाले हैं। हमने बहुत डिस्कस किया प्रीवियस लेक्चर। सो आज जो हमने देखा वो था व्हीकल रेजिस्टेंस एंड पावर फॉर इनर्शिया फोर्स टोटल रेजिस्टेंस एड रेजिस्टेंस और ग्रेट रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस किया। रोलिंग रेजिस्टेंस के एग्जांपल हम प्रीवियस लेक्चर में देखे थे। उसके अलावा चार और एग्जांपल थे एवरेज स्किड रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए एग्जाम में आते हैं वो यहाँ पे हमने चार एग्जांपल देखे। तो कंपलसरी चार एग्जांपल आपको नोट करने हैं और एंड ऑफ द वीक फ्राइडे या सैटरडे को आप सबमिट करना है। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही और हमारा जो रिवीजन लेक्चर नंबर 3 के साथ इस वीकेंड में हम ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक यूनिट 1 का रिवीजन कंप्लीट करते हैं। आपको ये पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी क्लासरूम में उसके साथ साथ लेक्चर के थ्रू भी आप समझ सकते हो और आपका कंपलसरी लेक्चर नोट्स में एज अ वर्कशीट रिवीजन लेक्चर 1 नेम देके आपको कंपलसरी सबमिट करना है गूगल क्लासरूम। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।